हाय माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर फ्रंट वेरिएशन एंड बैक वेरिएशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। लेस वाली हेयर स्टाइल है, आप देख सकते हैं। सेंटर में, बिल्कुल क्राउन के सेंटर में मैंने छोटा सा हेयर का सेक्शन लिया है, उसके नीचे मैं एक लेस फिक्स कर रही हूँ। आपको जो भी लेस अच्छी लगे या फिर डोरी अच्छी लगे वो आप ले लीजिएगा। नीचे मैंने बॉबी पिन से फिक्स किया और मैंने दो रोल घुमा लिए। अब जो है, जब टेप या आपकी जो रिबन है वो राइट साइड में होगी, तब आप राइट के थोड़े से हेयर लेके जोड़ लो, उसको कवर करते हुए फिर आपने वो लेस घुमाना है। मैंने बड़ा सेक्शन लिया था तो छोटा ले लिया है। फिर आप रिबन को घुमा लो। दूसरा राउंड पूरा करने से पहले लेफ्ट के हेयर वहाँ पे होल्ड करके फिर वो सेक्शन को घुमा लेना। अब जैसे राइट में आ गया, दोबारा से राइट से सेक्शन लिया, फिर हमने घुमाया, और राउंड कंप्लीट करने से पहले लेफ्ट के सेक्शन को होल्ड करके नीटली कोम करके फिर हम वो लेस को उसके ऊपर से घुमाते हुए राइट में आएंगे। इसी तरह से लेफ्ट वाले हेयर और राइट वाले हेयर जोड़ते हुए लेस को हम घुमाते घुमाते कंप्लीट करेंगे। अगर आप लेस थोड़ी सी अट्रैक्टिव लोगे, जैसे मिरर वर्क वाली वगैरह, तो हेयर में बहुत उठ के दिखते हैं। ये तो डमी एक हेयर आपके ब्लैक कलर के हेयर में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लैक या कलर्ड हेयर होंगे, ये वेरिएशन बहुत अच्छा लगता है। आप ये वेरिएशन करते हुए बैक में होल्ड कर देंगे, जैसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, मैं पोनीटेल में कन्वर्ट कर रही हूँ, लेकिन आप अगर पोनीटेल में कन्वर्ट ना करके पीछे कर्ल्स कर देंगे तो भी चलेगा। मैं पोनीटेल करके फिर पोनी में कर्ल्स करने वाली हूँ। जैसे ही सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अब ये सेकेंड लास्ट सेक्शन है ऑलमोस्ट, यहाँ से लास्ट एक सेक्शन ले लूँगी मैं। जैसे ही मैं देख रही हूँ कि मेरे हेयर ऑलमोस्ट ईयर बैक तक आ गए हैं, कंप्लीट हो गया है, वहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। मुझे पोनीटेल में कन्वर्ट करना है इसलिए मैं फुल कर रही हूँ। आप अगर ईयर बैक तक कंप्लीट करोगे तो नीचे के हेयर स्ट्रेट मिलेंगे आपको, जिसको आप कर्ल्स कर सकते हो। देखो, हेयर कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है, मैं ये लेस को, सब हेयर को होल्ड करके, एक और राउंड बच गया है, मैं कंप्लीटली इसको रोटेट कर रही हूँ। लेस काफ़ी बड़ी है इसीलिए मैं इसको पूरा रोल कर रही हूँ। अब जो ऊपर के हेयर हैं मैं उनको पुलिंग कर दूँगी। बहुत ही फ्लफ़ी और वेरिएशन बहुत अच्छा लगेगा। बीच में से ही लेस आ रही है, मैंने मिरर वर्क वाली लेस ली है, आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा जहाँ पे एक्सेसरीज मिलती हैं, स्टेशनरी शॉप। बचे हुए हेयर को मैं आयरन से ही कर्ल कर रही हूँ, फ्लैट आयरन से। बहुत सुंदर लगता है ये हेयर स्टाइल। आप आयरन रॉड से भी कर सकते हो, कर्लिंग रॉड से। ये सारे कर्ल्स मैं ओपन भी कर दूंगी। लॉन्ग लास्ट कराने हैं तो आप थोड़ा सा मूज लगा लेना ओसिस प्लस का। आजकल इस तरह की वेरिएशन बहुत ट्रेंडिंग है। आप अगर अपनी रिसेप्शन ब्राइड को ये हेयर स्टाइल दोगे तो बहुत पसंद किया जाएगा। आप अगर क्रिम्पिंग और क्रिम्पिंग नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, ये हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। हल्के हल्के मैं लूज़ कर रही हूँ सारे कर्ल्स, ताकि फ्लफ़ी लगे पोनीटेल। ओनली ब्लो ड्राई इज़ ऑल्सो इनफ प्रेपिंग के तौर पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये हेयर स्टाइल। बनाना इस तरह की हेयर स्टाइल आप टैग कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को, अमृता_ A_School_of_Makeup। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।